दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो फिर से वेलकम है करिए इन्फॉर्म की एक नई वीडियो में, जिसका नाम है शेयर मार्केट। वर्ल्ड के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि जुनून के बिना आपके पास पावर नहीं होगी और पावर के बिना आपके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करने से पहले इसकी फुल इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह जहां सारी कंपनियों के शेयर्स परचेज व सेल किए जाते हैं। शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज करने का मतलब है आपको उस कंपनी में पार्टनर बन जाना, जिससे उस कंपनी में होने वाला प्रॉफिट भी आपको दिया जाता है। शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू हमेशा इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, जिससे इन्वेस्टर को लॉस व प्रॉफिट होता रहता है। शेयर मार्केट को चलाने में स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, परचेजर, सेलर, इन सब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा जो शेयर मार्केट पर पूरी नजर रखता है वो है सेबी, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी ही शेयर मार्केट पर प्रॉपर तरीके से नजर रखता है कि शेयर मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां लिस्टेड हैं, शेयर मार्केट में किस कंपनी में किस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, और शेयर मार्केट में बनने वाले रूल्स भी सेबी ही बनाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट कहते किसे हैं। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए, जैसे NSE, BSE, IPO, सेंसेक्स, निफ्टी, डीमेट अकाउंट, बोनस, डिविडेंड, ट्रेडिंग अकाउंट, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। ये सारे बेसिक टर्म हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। NSE, जिसकी फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये मार्केट के रूप में वर्क करता है, जहां लोग अपने स्टॉक को परचेज व सेल करते हैं। NSE को वर्ल्ड के पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। इक्विटी ट्रेडिंग के मामले में इंडिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज NSE है। NSE पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इस स्टॉक एक्सचेंज में एक्सचेंज लिस्टिंग, ट्रेडिंग सर्विस, क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विस, मार्केट डेटा फील्ड्स, इंडेक्स आदि इंक्लूड होते हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा सिक्योरिटी मार्केट है। इसको 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे 1875 में द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। निफ्टी की तरह ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी अपना बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसे सेंसेक्स इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। आज के टाइम में इसमें 6000 कंपनियां लिस्टेड है, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल मुंबई में है। IPO, जिसकी फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, तो उसे IPO कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां डिफरेंट फील्ड में काम करती हैं। इन कंपनी को फंड की नीड होती है, तो ये खुद को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाती हैं। इसके बाद कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में सेल करती है, इसे ही हम IPO कहते हैं। सेंसेक्स इंडिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है। ये दो वर्ड सेंसिटिव और इंडेक्स से मिलकर बना है। सेंसेक्स BSE में रजिस्टर्ड 30 कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसे सेंसेक्स 30 के नाम से भी जाना जाता है। सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव से ही BSE के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसकी कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में मेथोडोलॉजी के द्वारा की जाती है। सेंसेक्स से हमें पता चलता है कि कंपनी की क्या पोजीशन है और इसके शेयर्स की कीमत घट रही है या बढ़ रही है। इसमें 30 ऐसी कंपनियों को जोड़ा जाता है जिनके शेयर्स रोज परचेज व सेल किए जाते हैं, इसे ही हम सेंसेक्स कहते हैं। निफ्टी दो वर्ड से मिलकर बना है, नेशनल और 50। शेयर मार्केट में निफ्टी को 50 के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टॉक एक्सचेंज या NSE में लिस्टेड इंडिया की सबसे बड़ी कैंप वाली 50 कंपनियों का एक ग्रुप होता है। इसका आधार 1995 है। इसकी कैलकुलेशन 3 नवंबर 1995 से की जाती है, और इसका इंडेक्स 1000 माना जाता है। ये निफ्टी में 50 शेयरों पर आधारित इंडेक्स होता है। निफ्टी इंडेक्स किसी भी मार्केट की पोजीशन को बताने का एक स्केल है। एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही एक तरह से काम करते हैं।
दोनों का काम शेयर मार्केट की पोजीशन को बताना होता है, इसे ही हम निफ्टी कहते हैं। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट इन्वेस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर सिक्योरिटी होल्ड करने में हेल्प करता है। इस टाइप के अकाउंट को डीमैट्रिलाइज्ड अकाउंट भी कहा जाता है। ये किसी इन्वेस्टर के थ्रू शेयर एक्सचेंज, ट्रेड फंड, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड में किए गए सभी इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से ट्रैक करने में हेल्प करता है। डीमैट अकाउंट एक इन्वेस्टर के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके बिना आप शेयर्स को सेल और परचेज नहीं कर सकते। बोनस, बोनस एम्प्लॉय को उनके रेगुलर सैलरी के अलावा दी जाने वाला अमाउंट है। बोनस बेसिकली अच्छे परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक टारगेट या गोल्स को पूरा करने पर दिया जाता है, इसे ही हम बोनस कहते हैं। डिविडेंड, शेयर मार्केट की दुनिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देती रहती हैं। प्रॉफिट के रूप में मिलने वाला यही हिस्सा डिविडेंड कहलाता है। ऐसी कंपनियों के शेयर्स को डिविडेंड यील्ड स्टॉक कहा जाता है। हालांकि ये डिविडेंड देना या ना देना कंपनी पर डिपेंड करता है। ट्रेडिंग अकाउंट, शेयर मार्केट में शेयरों को परचेज और सेल करने के लिए हमें एक अकाउंट की नीड होती है, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। इसी की हेल्प से आप शेयर मार्केट में शेयर्स को परचेज व सेल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो आपका फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलती हैं। उन्हीं सॉफ्टवेयर से आप शेयर खरीद भी या बेच सकते हैं, जैसे ऐप स्टॉक, ग्रो, ज़ेरोधा आदि एप्लीकेशन हैं जो मार्केट में काफी रन हो रही हैं। इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग एक ही ट्रेडिंग डे पर शेयर्स को परचेज और सेल करने को ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह शेयरों को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि स्टॉक इंडेक्स का मूवमेंट को देखकर प्रॉफिट पाने के लिए परचेज किया जाता है। मान लीजिए मार्केट ओपन होने के टाइम आपने एक शेयर्स में पैसा लगाया और ये देखा कि आपको इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप उसी टाइम उस शेयर्स को सेल कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप शेयर्स नहीं भी सेल करोगे तो वह अपने आप से आप सेल ऑफ हो जाता है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, इसे ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रेडर्स अपने शेयर्स को एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रख सकता है। ये पोजीशन होल्ड करने के टाइम दो या तीन दिन या वीक या कुछ महीने तक भी हो सकती है। अगर आपने शेयर्स परचेज किया तो आप उन्हें आज ही नहीं सेल करोगे, जिन्हें आप नेक्स्ट डे या फिर कुछ दिनों बाद सेल कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग किसी शेयर्स की शॉर्ट टर्म मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए की जाती है, इसे ही हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को कुछ वीक के लिए या कुछ महीनों के लिए होल्ड करते हैं, उन्हें प्रॉफिट होते ही सेल कर देते हैं, तो उसे ही हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम एक साल होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम एक साल या उससे कम होता है, इसे ही हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जो लोग अपने पैसों को लंबे पीरियड के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आप अपने स्टॉक को 6 महीने या फिर 1 साल 2 साल जैसे पीरियड के लिए होल्ड कर रख सकते हो और प्रॉफिट होने पर उन्हें कुछ सालों के बाद बेच सकते हो, इसे ही हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कहते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाली ट्रेडिंग। ये सारे शेयर मार्केट के बेसिक टर्म होते हैं जिनको हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जिसे ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड, सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है। इसके बाद आप किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करें। आप हमेशा कम पैसों से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। आप 1,000 रुपये महीना से भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा पैसों से भी कर सकते हैं, पर जब तक आपको अच्छी नॉलेज नहीं होती तब तक आप कम पैसों से ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़रूरी है कैपिटल सेव करना। इसलिए जब तक कैपिटल है तब तक प्रॉफिट है। अच्छे शेयर्स चूज करें। शेयर मार्केट में आपको अच्छे शेयर चूज करना भी आना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में किताबी नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस, किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करने से पहले आपको उस कंपनी को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है।
जिसमें आप उस कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को जान सकें, कंपनी की हर साल की सेल्स ग्रोथ को देख सकें, प्राइस टू अर्निंग कितनी है ये पता कर सकें, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, ये कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई, कंपनी के प्रोस और कॉन्स क्या है, मार्केट कैपिटल क्या है, इस कंपनी में किसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, एक्सपर्ट की इस कंपनी के बारे में क्या एडवाइस है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फेसबुक पेज करियर इन्फॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।